तो नमस्कार सुनीता जी। नमस्कार। और फाइनली केशव, मैं आपके चैनल पर आ गई हूँ। शुक्रिया। अपने दर्शकों से मिलने, तो आप सभी को मेरी राम राम। और आज हम केशव के साथ बात करेंगे मेरी कुरुक्षेत्र से लेकर मुंबई तक की यात्रा के बारे में, और मुंबई की यात्रा के दौरान मेरे जो पड़ाव हैं उनको लेकर। तो मिलने ज़रूर आइएगा, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा हमारा ये साथ। और इसमें होंगी इनकी परिवार की कुछ बातें, जिसमें हम 47 का जिक्र करेंगे, और फिर होंगी इनकी वॉइस एंड स्पीच की बातें, जो इनका सफ़र कुरुक्षेत्र से मुंबई तक पहुंचा, लेकिन स्टूडियो के अंदर ही रहा। और फिर हम करेंगे फिल्म सेट्स की बातें, जब इन्होंने उन स्टूडियोज़ को छोड़ के फिल्मों के सेट पर काम करना शुरू किया। और ये वही सुनीता जी हैं जिनके साथ तो नहीं, लेकिन जिनके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो वो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि मैं अगर कुछ बोलता हूँ और अगर आप मुझे कुछ सुनते हैं तो वो ये है मेरी गुरु, आपको याद होगा। ये बड़प्पन है तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे, मैं तो ये कहती हूँ कि कोई भी कला हो, मौलिक रूप से हमें उसे देने वाला वो ऊपर वाला होता है। तो साथ मिलते गए और कारवां बनता गया। थोड़ा बहुत जो हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम सभी सीखते हैं। तो बस तकरीबन 2 से 3 वीडियोस ऐसे आएंगे जिसमें आपको बहुत कुछ अलग मिलेगा, वो ज़रूर देखिएगा। कम से कम वो लोग तो ज़रूर देखें जो सिर्फ और सिर्फ मुझे प्यार करते हैं। तुमसे सभी बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू। क्योंकि मैं अभी जब स्कूल में जाती थी पढ़ने, तो कई बार लड़कियां चिढ़ाती थी, अरे तुम तो रिफ्यूजी हो। तो मुझे तब रिफ्यूजी वर्ड का मतलब भी नहीं पता था कि ये रिफ्यूजी क्यों बोलती हैं हमें। एक दिन मैंने घर आके मम्मी से पूछा, मम्मी हम रिफ्यूजी हैं? मम्मी कहती हाँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो मतलब वो सच बोलती हैं कि हम रिफ्यूजी हैं? पर मम्मी हम तो पंजाबी हैं। हाँ, हम रिफ्यूजी थोड़ी हैं, हम तो पंजाबी हैं। तो फिर मैंने मम्मी से पूछा, अच्छा रिफ्यूजी कौन होते हैं?